विकलांग साथी ट्रस्ट के सभी हितैषियों को, सभी सदस्यों को, सभी सब्सक्राइबर को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सहयोग बनाने के लिए। मैं उन सभी दूसरे YouTube चैनल्स को भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दोज यूट्यूब चैनल हु आर सब्सक्राइबिंग माई चैनल फॉर प्रमोशन। दैट्स वाई आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम हु इज सपोर्टिंग अस। इस प्रकार से मैं चाहता हूं कि हम भी, हमारा आप में सब में समन्वय बना रहे। मित्रों, अभी कल तक की एक बात बताई कि आपके लिए कैसे खेल के अवसर पैदा हो रहे हैं, कैसे और चीजें। आज मैं आपको उसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ाते हुए एक बात बताना चाहूंगा। विकलांग साथी ट्रस्ट ने हमारे प्रदेश के क्रीड़ा विभाग ने हमारे जनपद सीतापुर में, पीलीभीत में और बरेली के संगठनों से तथा लखनऊ में स्वयं निदेशक महोदय ने मुझसे संपर्क करके इस विषय में चाहा है कि हम एक जूनियर्स खेलों को, मतलब विभिन्न दूसरी श्रेणियों में खेल आयोजनों के लिए, विविध प्रकार के खेलों के आयोजनों के लिए एक समूह बनावें और उस समूह बनाने के लिए विकलांग साथी ट्रस्ट ने अपनी हामी भर दी। अब विकलांग साथी ट्रस्ट ने जब हामी भर दी है तो हम लोगों का एक कर्तव्य हो जाता है कि हम लोग एक साथ मिलकर के दिव्यांग खेल प्रतिभाओं को हम खोजें और दिव्यांग खेल प्रतिभाओं के लिए हम एक संगठन बनाएं। मेरा तो बहुत ज्यादा खेलों में अनुभव नहीं है, लेकिन जिन व्यक्तियों को, जिन इसमें पदाधिकारियों को अनुभव है, उनको मैं आगे ला करके उनके नेतृत्व में, हाँ, हम पुश करेंगे, हम थोड़ा सा आगे इसको संगठन बनाने में। विकलांग साथी ट्रस्ट के अंतर्गत ही संगठन होंगे, जैसे बीएसटी 11 बनाएंगे हम क्रिकेट के लिए और बीएसटी नाम से ही दूसरी स्पर्धाओं के लिए भी हम आयोजन कर रहे हैं और उन आयोजनों को करवाने के बाद हम उत्तर प्रदेश सरकार से कोऑर्डिनेशन करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार से कोऑर्डिनेशन करने के बाद हम आप लोगों को प्रशिक्षण दिलवाने के लिए, उनके लिए हॉस्टल मुहैया करवाने के लिए और अपने दिव्यांग प्रतिभाओं के लिए जो संसाधन हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए बहुत प्रयास करेंगे। अब रही बात ये कि इसमें आपके समर्पण की आवश्यकता है, आपके लगाव की आवश्यकता है। हमको जिन जिलों से इस प्रकार की प्रतिभाएं, खेलों में रुचि रखने वाले दिव्यांग प्रतिभाएं हैं, वो हमें संपर्क करें। हमारा ईमेल है, हमें फोन पे संपर्क न करें कृपया, हमें ईमेल पे हमारे ट्रस्ट विकलांग साथी @gmail.com जो कि इस यूट्यूब चैनल का भी वही ईमेल है, आप लोग हमको संपर्क कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल में पूरा नाम, पता, किस खेल में रुचि है, कितने खेलों में आपने कभी प्रतिनिधित्व किया है, जिला स्तर की, मंडल स्तर की या ग्रामीण स्तर की, हम गांव के प्रतिभाओं को विशेष तौर, गांव के दिव्यांग प्रतिभाओं को विशेष रूप से हम उभारना चाहते हैं। तो इस प्रकार के आयोजनों में हम आपके सहयोग की आकांक्षा रखते हैं। आप लोग अगर हमें सहयोग देंगे तो हम विशेष रूप से इस पर सफल होने का प्रयास करेंगे। अब इसमें क्या क्या हमको आपको भेजना है, आप एक कागज पे, कोई फार्म इसका हम नहीं बना रहे हैं, आगे चल के देखेंगे। नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और शैक्षिक योग्यता और कितने जगह पे, कौन से खेल में आपकी अभिरुचि है, क्या किसी खेल में आपने कभी भाग लिया है, मंडल स्तर पे, ग्राम्य स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जहां पर भी, जिस स्तर से आपने संपर्क किया उसका पूरा विवरण, किस सन में किया, क्या कोई स्पर्धाओं में आप विजेता बने हैं, जीते हैं, उन सब चीजों का उपयोग एक फोटोग्राफ लगा करके आप ईमेल हमें भेज सकते हैं। फोटोग्राफ कैसे लगाएं, आप स्कैन करके उसके ऊपर उसी फाइल पर एप्लीकेशन के साथ भेजते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि आप डाक में पैसा करें, 25-30 रुपए खर्च करें, रजिस्ट्री करें, ये सब चीजों से झंझट से मुक्त होकर के आज ये
इसका नेट का भरपूर उपयोग करिए। नेट का मतलब जो है सूचना तंत्र का विशेष विकास किया गया, तो इसका उपयोग करके और हमें आप सूचित करिए। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे को जानते हैं तो उसका भी नाम पता, डेट ऑफ बर्थ, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो उम्र, लगभग उम्र, अंदाजे की उम्र, अगर जो शिक्षित रहे हैं वो भी भाग लेने के लिए, उनका लिए अकुशल श्रेणी के खेल प्रतियोगिताओं में उनका भाग लेंगे। जरूरी नहीं कि जो शिक्षित नहीं है उसका इस खेल में रुचि नहीं है, तो हम उसको उसकी योग्यता और उसकी शिक्षा और अशिक्षा के अनुसार उसके खेलों के श्रेणियां तय करेंगे और इसमें ये जल्दी से इसका हम क्रियान्वयन करने जा रहे हैं। लगभग 31 दिसंबर 2020 से पहले हम ऐसे दल, ऐसे समूह, ऐसे जिला इकाइयां गठित कर देंगे और इन जिला इकाइयों के गठन करने के बाद उनके प्रशिक्षण और उनके अभ्यास का भी क्रम चालू हो जाएगा। और क्रिकेट पे हमारे एक्सपर्ट आगे आपको उस पे उनको चयन के लिए हम मैनेजर बना रहे हैं, उनको वो अलग से चयन करेंगे। क्रिकेट की कोई एक टीम नहीं बनेगी, क्रिकेट की जिला स्तर पर कई टीमें बनेंगी, हर एक जिले में एक एक टीम बनेगी और उन जिलों के बाद फिर हम उनमें प्रतियोगिताएं कराएंगे, जो प्रतियोगिताओं में जो सफल जो अच्छी होंगी उनको हम राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में रखेंगे, फिर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के बाद हम राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता भी करवाएंगे जिसमें राष्ट्रीय टीम का चयन किया जाए। अच्छा, राष्ट्रीय टीम के चयन में हमारे चयनकर्ताओं का निर्णय अंतिम होगा, उसमें कोई किसी का हस्तक्षेप या किसी का भाई भतीजावा या किसी की मित्रता इस बात का नहीं। अब दूसरी बात, एक और बात बताना चाहते हैं, ये पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग मंच होगा, पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग। ये नहीं है कि हम उनके चयन के लिए महिलाएं, योग्य महिलाएं रखेंगे, योग्य प्रशिक्षक जो खेल में अनुभव रखने वाली महिलाएं रखेंगे, उसमें आपका विशेष तौर से चयन किया जाएगा और चयन करने के बाद आपको अवसर मिलता है। तो मित्रों, इस विकलांग साथी ट्रस्ट के इस मुहिम में आप जुड़िए, हमें आप बताइए। हमारे सकलांग मित्र अगर किसी दिव्यांग प्रतिभा को जानते हैं तो भी हमें उसका नाम, उसका संदर्भ उसको बता सकते हैं। जो दिव्यांग प्रतिभाएं बहुत सी ऐसी हैं जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, यूट्यूब चैनल नहीं है, उन तक भी ये बात पहुंचाएं। हम विकलांग साथी ट्रस्ट के फेसबुक समूह में भी इस बात को डालने जा रहे हैं, फेसबुक समूह से लिखित में भी डालेंगे, तो आप लोग जितना हो सके जल्दी से जल्दी इसका उपयोग करें। और इसके भेजने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर तक अपना सब कुछ विवरण हमें इस पते पर, इसी ईमेल पर भेज दें। कोई डाक द्वारा हम डाक का पता नहीं दे रहे हैं इसलिए, क्योंकि डाक के पते में बड़े झंझट है, रजिस्ट्री फलाना ढमाका सब आए, इसलिए आप सिर्फ ईमेल पर भेजें, ईमेल पर भेजिए और उनका चयन किया जाएगा। उनके चयन करने के बाद हम आपको सूचित करेंगे, आपको बुलाएंगे, आपका साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार लेने के बाद आपको आपके जिले में ही आकर के हम विभिन्न स्पोर्ट्स स्पर्धाओं के लिए, स्पोर्ट्स के लिए दलों का चयन करेंगे। दलों के चयन करने के बाद आप लोगों को वहीं पर बताया जाएगा, आपको लखनऊ भी आने की आवश्यकता नहीं है या किसी दूर शहर में जाने की जरूरत नहीं। हम आपके लिए बहुत कम से कम अवरोध, कम से कम कठिनाइयां, कम से कम दिक्कतें रखना चाहते हैं और बहुत जिससे सुगमता पूर्वक आप कार्य कर सकें। तो बस मित्रों, इन्हीं बात के साथ आज आपसे हम विदा लेते हैं।